मैं बूट पॉलिश कर रहा हूँ, मैं बूट पॉलिश करवा रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ, मैं हंसा रहा हूँ। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, आज असी इन्हां सेंटेंसेस दे ही स्ट्रक्चर नू सिखांगे। हुण ये जिहड़े सेंटेंसेस ने ये काफ़ी सिमिलर ने, बट फिर भी इन्हां दे स्ट्रक्चर च डिफरेंस है। पहला सेंटेंस देखो, मैं बूट पॉलिश कर रहा हूँ। हुण इहदे च की है कि मैं खुद बूट पॉलिश कर रहा हूँ, बट नेक्स्ट सेंटेंस मैं बूट पॉलिश करवा रहा हूँ, इहदा मतलब मैं खुद नहीं कर रहा, मैं किसी तो करवा रहे हैं। नेक्स्ट देखो, मैं हंस रहा हूँ, इहदा मीन्स मैं खुद हंस रहा हूँ, तो मैं हंसा रहा हूँ, मैं खुद नहीं हंस रहा, मैं किसी नूं हंसा रहा। डियर स्टूडेंट्स, असी आम यह सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, तो अज असी सीखांगे इन्हां दा ही स्ट्रक्चर, इन्हां दा डिफरेंस, ते किद्दां असी इन्हां सेंटेंसेस नूं बनाउणा है। हुण जिवें तुसीं देखो, आम तुसीं पेट्रोल पंप ते जांदे हो, हुण तुसीं उत्थे इह नहीं कहिंदे कि मैं तेल भर रहा, मैं तेल भरवा रहा। घर च तुसीं पेंट करवाउंदे हो, राइट? सो तुसीं देखो पेंट करवाउंदे हो, सो तुसीं खुद पेंट नहीं करदे, पेंट करवाउंदे हो, राइट? सो यही असीं सिखांगे कि जद असीं किसे तों काम कराउंदे तां असीं की स्ट्रक्चर यूज करना है, ते जद जिहड़ा काम असीं खुद करदे हां ते उत्थे की स्ट्रक्चर यूज होएगा। चलो शुरू करदे हां असीं अज दी वीडियो। हुण आ दो सेंटेंसेस देखो। पहला सेंटेंस देखो, मैं बूट पॉलिश करवा रहा हाँ, इहदा मतलब कि मैं खुद बूट नहीं पॉलिश कर रहा, मैं बूट किसे तों पॉलिश करवा रहा। हुण जे खुद पॉलिश करदा ना हुंदा कि मैं बूट पॉलिश कर रहा, सो आई एम पॉलिशिंग माई शूज, ए प्रेजेंट कंटीन्यूअस सेंटेंस हो जाना सी, पर इहदे विच मैं खुद नहीं कर रहा, किसे तों करवा रहा। सेकंड सेंटेंस, उसने कल अपनी गड्डी ठीक कराई, सो दैट मीन्स कि उन्हें खुद नहीं की पर किसी रिपेयरमैन तो ठीक करवाई। सो जब भी असं एक्शन किसी तो करवाने, कोई काम किसी तो करवाने, उत्थे साडा स्ट्रक्चर होगा गैट दे नाल असीं वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करांगे। स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस। असीं देखना कि साडा सेंटेंस हुण इहदे च साडा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, असीं उस अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगावांगे, जे पास्ट सेंटेंस है उहदे अकॉर्डिंग असीं हेल्पिंग वर्ब लगावांगे, अकॉर्डिंग टू साडा स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू साडा टेंस। सेंटेंस जिस तरीके का भी होएगा, जिस टेंस च होएगा, असीं उस तरीके की हेल्पिंग वर्ब लगावांगे। दैन गैट अकॉर्डिंग टू टेंस, गैट अकॉर्डिंग टू टेंस मतलब कि जे हुण असीं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का सेंटेंस बनावांगे, असीं गैट दे नाल आई एन जी लगा देंगे, जे प्रेजेंट का जे पास का सेंटेंस है गॉट हो जाएगा, सो अकॉर्डिंग टू टेंस असीं इहनूं चेंज कर लेंगे। दैन ऑब्जेक्ट, जिहदे बारे भी है, जिस ते भी एक्शन हो रहा होए ऑब्जेक्ट, सो असीं इन डिटेल्ड वीडियो अपने चैनल ते पाई है टेंसेस दी, यू कैन गो आउट एंड चेक दिस वीडियो। इवन सेंटेंस स्ट्रक्चर दी भी वीडियो है, जिस तुहानू सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब सारे पार्ट्स दी क्लैरिटी होएगी, यू गो एंड चेक आउट दैट वीडियो। एंड देन वर्ब दी थर्ड फॉर्म, ध्यान रखना कि असीं वर्ब दी थर्ड फॉर्म यूज करांगे। देन रेस्ट ऑफ सेंटेंस, रेस्ट ऑफ सेंटेंस मतलब जो चीज बच जाएगी, इहदे भी असीं सारी डिटेल्ड वीडियो पाई है, तुसीं चेक करो। हुण सेंटेंस बनाने हैं, देखो सब्जेक्ट, पहला सेंटेंस देखो, मैं बूट पॉलिश करवा रहा हाँ, सो इट्स सब्जेक्ट ही है आई, राइट? सो हेल्पिंग वर्ब असी मैं बूट पॉलिश करवा रहा हाँ, सो आई नाल की लगेगा एम, राइट? हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस एम लग गया। देन गेट, क्योंकि ए प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस सेंटेंस है, सो असी गेट दे नाल की लगावांगे आई एन जी, आई एम गेटिंग, राइट? आई एम गेटिंग। हुण ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन्स जो असी वर्ब एक्शन हुंदा जिहदे ते इफेक्ट हुंदा है। हुण की पॉलिश करा रहे हैं, शूज, बूट, सो आई एम गेटिंग शूज। हुण वर्ब दी थर्ड फॉर्म, इहदे च एक्शन की है पॉलिश दा, सो पॉलिश दा थर्ड फॉर्म की हो जाएगा पॉलिश, आई एम गेटिंग शूज पॉलिश्ड। हुण क्योंकि इहदे विच आर ओ एस मीन्स रेस्ट ऑफ सेंटेंस कुछ भी नहीं बचा, असी मैं दी जगह आई एम गेटिंग शूज बूट पॉलिश आ गया, पॉलिश्ड एक्शन, सो होर कोई चीज बची नहीं इस सेंटेंस विच, रेस्ट ऑफ सेंटेंस नहीं है, सो ये ऑप्शनल है, जिथे रेस्ट ऑफ सेंटेंस होएगा उथे असी लगावांगे, जिथे नहीं है उथे नहीं लगावांगे। सो दिस इज माई आवर स्ट्रक्चर, आई एम गेटिंग शूज पॉलिश्ड। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, उसने कल अपनी गड्डी ठीक कराई, सो उसने, ही सब्जेक्ट। हुण तुसीं देखो, ही उसने कल अपनी गड्डी ठीक कराई, ए पास द सेंटेंस है, राइट? पास इनडेफिनेट दा। हुण पास इनडेफिनेट साडा जिहड़ा स्ट्रक्चर है ओह वर्ब दी सेकंड फॉर्म लगदी है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सो असीं इहदे च हेल्पिंग वर्ब स्किप कर देंगे। सो गेट, गेट द सेकंड फॉर्म, ही गॉट,
उसने कल अपनी गड्डी, अपनी सोच ऑब्जेक्ट है हिज कार, हुन की कराया, ठीक कराया, ठीक, रिपेयर, रिपेयर द थर्ड फॉर्म, रिपेयर्ड, ही गॉट हिज कार रिपेयर्ड। हुन एदे च रेस्टिव सेंटेंस हैगा कल, सो ही गॉट हिज कार रिपेयर्ड यस्टरडे। आई होप तुहानू क्लियर हो गया, राइट? सो हुण असीं देखदे हां कुछ होर एग्जाम्पल्स। चलो हुण करदे हां कुछ एग्जाम्पल्स दी प्रैक्टिस। साडा पहला सेंटेंस देखो, ओह सैलून तो अपने वाल कटाउंदी है। इहदा मतलब कि ओह आ खुद नहीं वाल कटदी, सैलून तो अपने बाल कटाउंदी है। सो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट दा सेंटेंस है। सो ओह सब्जेक्ट साडा है शी। हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਵਰਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਸ ਔਰ ਈਐਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸ਼ੀ ਗੈਟਸ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਾਲ, ਹਰ ਹੇਅਰ, ਆਬਜੈਕਟ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਵਰਬ। ਹੁਣ ਵਰਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਕੱਟ। ਸੋ ਕੱਟ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੱਟ, ਕੱਟ, ਕੱਟ। ਸੋ ਸ਼ੀ ਗੈਟਸ ਹਰ ਹੇਅਰ ਕੱਟ। ਹੁਣ ਸਲੂਨ ਤੋਂ ਵਾਲ ਕਟਾਉਂਦੀ ਹੈ from the salon। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस। हुण ए साडा हो गया फ्रॉम द सैलो रेस्ट ऑफ सेंटेंस। नेक्स्ट देखो, मैं स्कूटर च तेल पवा रहा हाँ। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस दा सेंटेंस है आई। हुण इहदे च प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस नाल एम लग जाएगा, आई एम। गेट दे नाल आई एन जी डबल टी लगेगा, आई एम गेटिंग। हुण ऑब्जेक्ट की साडा स्कूटर। हुण तेल पवाण दी इंग्लिश, हुण तेल नूं असीं कहिंदे आ फ्यूल, और तेल पवाण दी इंग्लिश नूं असीं कहिंदे आ फ्यूल्ड, और फ्यूल्ड दी सेक थर्ड फॉर्म है फ्यूल्ड, राइट? सो आई एम गेटिंग स्कूटर फ्यूल्ड। ऑलराइट, नेक्स्ट देखो, की तुम ब्याह लई ड्रेस बनवा लई है। इहदा मतलब कि खुद नहीं बनाई, टेलर तों बनवाई है। सो क्वेश्चन है, असीं हैव अगे लैवांगे, हैव यू साडा सब्जेक्ट है, तू, हैव यू नाल थर्ड फॉर्म, गॉट ड्रेस। हुण बनवाना, जब असी टेलर तो बनवाने, असी टेलर्ड भी कह सकते हैं, स्टिच्ड भी कह सकते हैं, थर्ड फॉर्म है। सो हैव यू गॉट ड्रेस टेलर्ड या स्टिच, तुसी कुछ भी लिख सकते हो। हैव यू गॉट ड्रेस टेलर्ड फॉर द वेडिंग। रेस्ट ऑफ सेंटेंस है ब्याह दे। नेक्स्ट देखो, कल मैं 5 बजे शर्ट प्रेस करवा रहा सी। पास्ट दी गल है, सो कल दी गल है। सो मैं जो साडा सब्जेक्ट है आए, हुन पास्ट कंटीन्यूअस है, आए नाल की लग जाएगा वॉज। गेटिंग इहदा मतलब कि तुसी खुद नहीं प्रेस कर रहे सी, पर धोबी तो प्रेस करवा रहे सी। सो आई वॉज गेटिंग शर्ट। हुन प्रेस करन नूं असीं कहिंदे आयर्नड, राइट? प्रोनंसिएशन भी आ गई, आई आर ओ एन ई डी। इहनूं असीं आयर्नड बोलांगे, आर साइलेंट होएगा। आई वॉज गेटिंग शर्ट आयर्नड यस्टरडे, बिकॉज कल दी गल है यस्टरडे। हुण देखो इच आयर्न 5 बजे, एट 5 PM, ओके? सो ये सारे एग्जाम्पल्स। सो जब भी असी किसी तो सेंटेंस एक्शन खुद नहीं करते पर करवाने हैं, तो उत्थे असी लगावांगे गेट एंड वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस। सो स्टूडेंट्स, ये सेंटेंसेस बनाने के लिए तुहानू टेंसेस आने बहुत जरूरी है, राइट? सो टेंसेस तुहानू पता होना चाहिए। हुण जिदां देखो कि वह सैलून तो वॉल कटाउंदी है, सो कटाउंदी है किहड़ा टेंस है? ये सिंपल प्रेजेंट है, राइट? प्रेजेंट इनडेफिनिट है। सो तुसी साडे चैनल ते टेंसेस दी वीडियो है, आ देखो, मैं स्कूटर च तेल पवा रहा हाँ, प्रेजेंट कंटीन्यूअस दा सेंटेंस है, रहा हाँ। फिर तू ब्याह लई ड्रेस बनवा ली है, प्रेजेंट परफेक्ट दा सेंटेंस है, उस वक्त करवा रहा सी। सो पास दा सेंटेंस है, पास कंटीन्यूअस दा। सो इहदे लई तुहानू टेंसेस आने बहुत जरूरी है। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਟੈਂਸਿਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਐਂਡ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਟੈਂਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਕਿੰਨਾ ਚੁਟਕੀ ਚ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਬਣਨਗੇ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆ ਬਣਾਏ ਆ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬਣਾਏ ਆ। ਸਬਜੈਕਟ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇਖੋ, ਸ਼ੀ ਗੈਟਸ ਹਰ ਹੇਅਰ ਕੱਟ ਫਰੋਮ ਦ ਸੈਲੂਨ। ਸੋ ਸ਼ੀ ਸਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਗੈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੀ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ, ਗੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਸ ਲਗਾਤਾ। ਫਿਰ ਹਰ ਹੇਅਰ ਸਾਡਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਰਮ ਕੱਟ, ਕੱਟ 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 ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਲਗਾਤਾ। ਫਿਰ ਫਰੋਮ ਦ ਸੈਲੋ ਰੈਸਟ ਆਫ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਇਹ ਚ ਦੇਖੋ ਆਏ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਮ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਨਾਲ ਗੈਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਐਨ ਜੀ, ਗੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਐਨ ਜੀ, ਆਬਜੈਕਟ ਸਾਡਾ ਸਕੂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਰਮ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਚ ਰੈਸਟ ਆਫ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਇਹ ਚ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾਇਆ, ਟੈਂਸ ਚ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਸੋ ਹੈਵ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਸਬਜੈਕਟ ਯੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਵਰਬ ਦੀ ਗੈਟ ਜਿਹੜਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਟੈਂਸ ਥਰਡ ਫਰਮ ਲੱਗਣੀ। ਸੋ ਗੈਟ ਗੋਟ, ਗੋਟ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਡਰੈਸ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਆਬਜੈਕਟ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਟੇਲਰ, ਟੇਲਰਡ, ਟੇਲਰਡ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਰਮ ਲੱਗ ਗਈ, ਰੈਸਟ ਆਫ ਸੈਂਟੈਂਸ ਫੋਰ ਦ ਵੈਡਿੰਗ। ਇਹ ਚ ਦੇਖੋ ਆਈ ਸਬਜੈਕਟ ਵਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ, ਵਾਸ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਗੈਟਿੰਗ, ਗੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਐਨ ਜੀ। ਸ਼ਾਰਟ ਸਾਡਾ ਦੇਖੋ ਆਬਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਰਮ ਆਈ ਐਂਡ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਰੈਸਟ ਆਫ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਾਡਾ ਯੈਸਟਰਡੇ ਐਟ 5 PM। ਸੋ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖੋ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਸਟਰਕਚਰ ਆਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਟੈਂਸਿਸ ਆਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਮੇਕ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ। ਮੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਜੈਕਟ ਪਲੱਸ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਟੈਂਸ, ਦੈਨ ਮੇਕ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਟੈਂਸ, ਫਿਰ ਆਬਜੈਕਟ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਰਮ ਪਲੱਸ ਰੈਸਟ ਆਫ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਦੇਖੋ ਸਟਰਕਚਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗੈਟ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਰਮ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਰਮ ਲਗਾਈਏ, ਇੱਥੇ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਰਮ ਲੱਗੇਗੀ। ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੈਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਮੇਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਰੈਸਟ ਆਫ ਦ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇਜ਼, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਸਟ ਆਫ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਹਸਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਮ ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਮੇਕ ਕਿਉਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੂਟ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਲ ਕਟਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਵਾਲ ਕਟਾਨੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਟ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਜਿਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਖੁਦ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਮੇਕ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟੈਂਸ ਖੁਦ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਬੂਟ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੂਟ ਪੋਲਿਸ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਲ ਕਟਵਾਉਣੀ ਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੀ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਡਰੈਸ ਬਣਵਾਈ, ਸੋ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਸਟਿਚ ਕੀਤੀ, ਟੇਲਰ ਤੋਂ ਸਟਿਚ ਕਰਵਾਈ। ਸੋ ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੇਕ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਟ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੈਟ ਵਾਲਾ ਸਟਰਕਚਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ, ਫਿਰ ਬਰਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਕਚਰ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਮੇਕ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਹਸਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ? ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ? ਆਈ, ਮੈਂ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਆਈ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਐਮ, ਨਾਲ ਮੇਕ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਟੈਂਸ, ਸੋ ਮੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਐਨ ਜੀ, ਆਈ ਐਮ ਮੇਕਿੰਗ। ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹਿਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਈ ਐਮ ਮੇਕਿੰਗ ਹਰ। ਹੁਣ ਆਬਜੈਕਟ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਲਗਾਤਾ, ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਹਸਾਣਾ, ਸੋ ਹਸਾਣ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਲਵ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਸਟ ਆਫ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਸਬਜੈਕਟ ਆਏ, ਦੈਨ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਐਮ, ਮੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਐਨ ਜੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਆਈ ਐਨ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਹਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਲੱਗ ਗਈ ਲਵ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਵਾਇਆ, ਸੋ ਪਾਸਟ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਾਈ ਬ੍ਰਦਰ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ। ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਬ੍ਰਦਰ, ਮਾਈ ਬ੍ਰਦਰ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਪਲ ਪਾਸਟ ਜਾਂ ਪਾਸਟ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵਰਬ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਮਾਈ ਬ੍ਰਦਰ, ਮੇਕ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਮੇਡ, ਰਾਈਟ?
मेरे भरा ने मैनू, सो इहदे साडा ऑब्जेक्ट की है, मैनू मीन्स मी, माई ब्रदर मेड मी। हुण रवान नूं की कैसे कहने आ, वीप, वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म लगेगी, माई ब्रदर मेड मी वीप, बहुत प्रेसिव सेंटेंस आ गया, अलॉट कह रहे। नेक्स्ट देखो, अध्यापक सानू ऐसे लिखवा रहे सी, सो इहदे विच एक्शन किने कीता, अध्यापक ने, राइट। सो जेड़ा ऐसे लिखवाण दा काम कौन कर रहा, अध्यापक इहदे विच, राइट। सो इहदे विच साडा सब्जेक्ट हो गया अध्यापक, टीचर। सो रहे सी, सो टीचर वॉज। हुण लिखवाना नाल मेक दे नाल लग जाएगा आई एन जी, टीचर वॉज मेकिंग। हुण इहदे विच ऑब्जेक्ट सन, टीचर वॉज मेकिंग अस। वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म इहदे विच की है, लिखना, लिखवाना, सो इहदे विच आ गया मेकिंग अस, राइट। ऐसे साडा प्रेसिव सेंटेंस हो गया, सो टीचर वॉज मेकिंग अस राइट एन ऐसे। इहदा मतलब कि टीचर सानू लिखवा रहे सी, एक्शन टीचर कर रहे सी। नेक्स्ट देखो, नौकर रोज शाम नू बच्चों नू खड़ाउंदा है, सो ये हैबिट दी एक्शन है, एवरीडे एक्शन है, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट दा एक्शन है। सो नौकर सब्जेक्ट साडा नौकर, द सर्वेंट। हुण इहदे विच तुसीं देखो कि जद असीं प्रेजेंट इनडेफिनिट करदे हां, उहदे विच असीं वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म नाल एस और ई एस लगाने हां, सो द सर्वेंट मेक्स, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, असीं सिद्धा मेक दे नाल एस और ई एस लगावांगे, इत्थे एस लग गया, द सर्वेंट मेक्स। हुण ऑब्जेक्ट की है, बच्चे, सो चिल्ड्रन, नाल वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म, द सर्वेंट मेक्स चिल्ड्रन प्ले। रोज शाम नू रेसिव सेंटेंस आएगा, द सर्वेंट मेक्स चिल्ड्रन प्ले इन द इवनिंग एवरी डे, राइट। सो साडा सेंटेंस बन गया, द सर्वेंट मेक्स चिल्ड्रन प्ले इन द इवनिंग एवरी डे, सो सर्वेंट रोज शाम नू बच्चों नू खड़ाउंदा है। हुण वारी है कुछ होमवर्क दी, सो तुसी देखो तुहाडे कोल दो सेंटेंसेस ने, मैं डॉक्टर तो दंद साफ करवा रहा हाँ, उसने मैनू 2 घंटे इंतजार करवाया। तुसी मैनू कमेंट बॉक्स इन्हां सेंटेंसेस नू बना के दसो कि कित्थे गेट लगना है ते कित्थे मेक लगना है। सो स्टूडेंट्स, अज दी वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ते जिहड़ा गेट और मेक है इहदा स्ट्रक्चर और इहदा डिफरेंस किसे कित्थे यूज करना है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हुण बहुत स्टूडेंट्स बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं कि असीं कित्थे गेट लगाना, मेक लगाना ते क्यों लगाना। देखो, क्योंकि कन्फ्यूजन दा कारण यह है कि सानू यह तो पता असीं सेंटेंसेस कीता कि मैं बूट पॉलिश करवा रहा। देखो, बूट पॉलिश करन दा तां सानू पता पॉलिश, बट करवाना, बूट पॉलिश करवाना इत्थे की लगेगा। हुण वाल कट्टन दा तां सानू पता है कट, बट वाल कटवाणा, राइट, कितों किसे तों जाके वाल कटवाणा, सैलून तों। हुण आही सेंटेंस तुसीं देख लो कि मैं डॉक्टर तों दंद साफ करवा रहा, सो साफ करन दा तां सानू पता है, पर जिथे आ जावे साफ करवाणा उत्थे की लगेगा। आ सेंटेंस देखो कि उसने मैनू 2 घंटे इंतजार करवाया। हुण इंतजार करन दा तां सानू पता है वेट, बट इंतजार करवाणा, राइट, इंतजार करवाया ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਸੋ ਜਲਦੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੈਸਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜਰਨੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਟਿਲ ਦੈਨ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।